ऐसे लग रहा है जैसे साल में एक बार वो पाकिस्तान से टिड्डे नहीं आते उन्होंने अटैक कर दिया। इसमें बढ़िया कभी बाइक वाला घुस रहा है, कभी गाड़ी वाला घुस रहा है, कोई किसी को गाली देते हुए चल रहा है, इससे बढ़िया टाइम पास होता है हाईवे पे। भाई बहुत ही थॉटफुल ढाबा है मैं बता रहा हूँ। देखो टॉयलेट के ऊपर ना यहाँ माचिस रखी हुई है। ये है भाई खतरनाक सौदा, लो एकदम से गाय आ गई। मेवाड़ का राजा दीवाना टाइगर, क्या बात है। बाकी टायर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल अगर मैं देखो तो। भाई कंफर्ट तो बहुत अच्छा हो गया इनपे और नॉइस भी। बोलो हर हर महादेव। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई शुरू कर दी है अपनी अब तक की सबसे लंबी रोड ट्रिप दिल्ली टू गोवा, और अगले 10 दिन में हम करीब 4,500 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करेंगे और आपको एक से एक नज़ारे दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट लेवल है। अभी फ़िलहाल हम हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे और आज का जो अपना डेस्टिनेशन है वो है 750 किलोमीटर। तो हम आज स्टे करेंगे उज्जैन में और अगर टाइम से पहुंच गए तो भाई महाकाल के ज़रूर दर्शन करने का ट्राई करेंगे। बाकी देखते हैं, आपको अपडेट कर देंगे उसके बारे में। अभी बहुत लंबा जाना है भाई, 13 से 14 घंटे लग जाते हैं 750 किलोमीटर कवर करने में। तो क्या रूट लेंगे क्या नहीं आपको अपडेट करेंगे। बाकी भाई गोवा के बारे में तो हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी यूट्यूब पर कि कहाँ घूमना है क्या करना है। अपना फोकस रहता है जर्नी के ऊपर कि वो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक जो जर्नी होती है उसका ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और वही आपसे शेयर करेंगे। क्या रूट लेना चाहिए क्या नहीं, खाने के क्या ऑप्शंस है, क्या कुछ है, सब कुछ शेयर करेंगे। बाकी फ़िलहाल गाड़ी में बैठते हैं और खींचते हैं यार। सुबह होने वाली है, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, तो खींचते हैं। एक आध घंटे में रुकेंगे चाय और ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए। चलें फिर करें ये 4,500 किलोमीटर की ट्रिप शुरू। चलो मिलते हैं आपसे अपने कॉकपिट से। एक्सप्रेसवे पे ये रिफ्लेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त लगे हुए हैं, कोई स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत नहीं होती, बहुत क्लियर विजिबिलिटी रहती है इन्हें रिफ्लेक्टर्स की वजह से। अपने नेशनल हाईवे पे भी सब जगह लगने चाहिए ये, वहाँ पे लाइटिंग की बड़ी दिक्कत होती है हर रात को। यहाँ एक्सप्रेसवे पे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी ऐसे ही रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी दे देते हैं रात को ड्राइविंग की, तो अच्छी चीज़ है ये। और भाई 5 बजने वाले हैं और सवेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। हाँ 5 बज ही गए एग्जैक्ट, सवेरा हो गया है। बस अब एक घंटा तो खींचते हैं गाड़ी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, अपने चाय वगैरह लेके आए हुए रोक के गाड़ी साइड में और चाय पियेंगे बढ़िया से। करीब करीब 98-99 किलोमीटर पे आता है ये। इधर रेस्ट रूम्स हैं और चाय पानी का जुगाड़ है थोड़ा बहुत, ज़्यादा सारे फंक्शनल नहीं हुए, अभी पेट्रोल भी मिल रहा है ये। तो हम आ गए हैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर अपने घर से। तो एक्सप्रेसवे पे चढ़ोगे तो 63 किलोमीटर पे है ये पूरा, और इसके बाद आता है जो एक्चुअल वाला है हाईवे ढाबा करके, पता नहीं क्या नाम है, जहाँ पे बढ़िया वॉशरूम वगैरह हैं और स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ रुकेंगे अपन एक बारी टॉयलेट ब्रेक के लिए और फिर बढ़ेंगे आगे। बाकी ये देखो भाई साहब ग्लास का क्या हाल हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे साल में एक बारी वो पाकिस्तान से टिड्डे नहीं आते उन्होंने अटैक कर दिया उड़ उड़ के। 100 किलोमीटर में इतना बुरा हाल आज तक नहीं देखा मैंने कभी अपने ग्लास का, इसको उतर के साफ करना पड़ेगा भाई, बहुत बुरा हाल हो गया है। और अभी भी भाई अपना डिस्टेंस 656 किलोमीटर, 650 किलोमीटर है, शाम हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, जो मेरा एस्टिमेशन बता रहा है भाई 6 बजेंगे पहुंचने में अपने को उज्जैन।
और उसके बाद हमने जो दर्शन का टाइम लिया है वो है 8 बजे से रात के 11 बजे तक। देखते हैं कितने कुछ भीड़ मिलती है। महाकाल के दर्शन तो करने का ट्राई करेंगे पूरे, और हो भी जाने चाहिए। तो बाकी अभी तो 100 किलोमीटर खींच लिया है, थोड़ा सा और खींचते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, एक टॉयलेट ब्रेक और फिर चाय वगैरह पीते हैं। यार कंटिन्यूसली खींचे जा रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे बोरिंग बहुत होते हैं। रोड अच्छे बने हुए हैं बट यार कुछ मज़ा नहीं है ड्राइव करने का। इक्का दुक्का गाड़ी है एकदम से, मतलब क्रूज कंट्रोल लगा के बैठ जाओ, वो अपनी गाड़ी में है नहीं, तो अपने को थोड़ा फोकस करके बैठना पड़ता है एक्सप्रेसवे पे। बाकी कोई नहीं, करते हैं भाई कंटिन्यू। अभी वेदर तो ठीक ठाक ही है, बाकी लग रहा है गर्मी होगी बहुत ताबड़ तोड़। करते हैं कंटिन्यू इसको। अर्बन ढाबा, हाँ एक्सप्रेसवे पे जब आप चढ़ोगे ना, एग्जैक्ट 100 किलोमीटर पे है। यहाँ पे ठीक ठाक खाने पीने के ऑप्शंस हैं और वॉशरूम भी है। चलो होते हैं अपन हल्के फटाफट। भाई इतने कीड़े मरे हैं आज तो पाप हो गया। ये देखो यार खून पहली बार देखा है, कीड़ों का भी खून रेड कलर का, इधर भी लग गया है, यहाँ भी लग गया है, दो जगह हद कीड़े हैं आज तो। और भाई टाइम बताऊं तो हो गया है 6:45। हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं घर से 135 किलोमीटर, और उधर सूर्यदेव निकल गए हैं, दिख नहीं रहे अभी। वो आ गए भाई सूर्यदेव, क्या बढ़िया लग रहा है, खाली पड़ा है सब। चलो चलते हैं भाई, बहुत कत्ले आम हुआ है यार आज तो, इतना तो मैंने कभी नहीं देखा। साफ करना पड़ेगा। भाई बाकी जो उज्जैन और इंदौर का मेन रूट है वो है आप आगरा ग्वालियर गुना होते हुए जाओ, जो कि नेशनल हाईवे है। हम वो रूट नहीं ले रहे हैं क्योंकि उस पर अब ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक पार्ट ओपन हो गया है जयपुर तक का। और जो हम रूट ले रहे हैं यहाँ से, हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हैं, उसके बाद अब जहाँ से एग्जिट जहाँ तक ये चल रहा होगा वहाँ तक अपन इस पर चलेंगे, उसके बाद एग्जिट लेंगे और हम निकलेंगे कोटा की तरफ। और कोटा सिटी एंटर नहीं करेंगे, कोटा बाईपास कर जाएंगे और फिर वहाँ से उज्जैन की तरफ। बाकी रोड की कंडीशन क्या है पता नहीं है अपने को, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं भाई इस साइड, तो उज्जैन की साइड फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो बाकी आपको अपडेट कर देंगे कि रूट कैसा है। तो इस ट्रिप में जाते वक्त अपन MP से जा रहे हैं, MP से फिर महाराष्ट्र में एंटर करेंगे हम, और वापस जो हम गोवा से आएंगे वो रूट हम लेंगे वाया गुजरात। तो हम दोनों अलग अलग रूट लेंगे ताकि दोनों रूट के नज़ारों का मज़ा ले सकें। बाकी लास्ट ईयर हमने बेंगलोर से गोवा से दिल्ली किया था रोड ट्रिप, वाया हम गुजरात आए थे, रूट बहुत बढ़िया था। तो सोचा इस बार भाई महाकाल के दर्शन करते हुए चलते हैं और MP की साइड से चलते हैं, इस हाईवे का भी आइडिया लग जाएगा। बाकी आपको अपडेट कर देंगे क्या कुछ है। फिलहाल तो एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और गूगल के हिसाब से 119 किलोमीटर और अपने को इसी रोड पे रहना है। बाकी मुझे लगता तो नहीं है इतना ज़्यादा पार्ट ये खुल गया है एक्सप्रेसवे का, जयपुर तक तो खुला हुआ है, बाकी आगे देखते हैं। आओ भाई थोड़ा सा कमर सीधी कर लें हम भी, मजा आ गया ड्राइव करके, बढ़िया ड्राइव रही है। अब कुछ खा लेते हैं यार, हम टोस्ट वगैरह लाए हैं चाय को, तो वो खाते हैं क्योंकि यहाँ तो खाली जगह है और साइड में लगा ली है गाड़ी। वैसे ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए बट थोड़ा बहुत तो चलता ही है, इसके बिल्कुल साइड में लगा ली है गाड़ी तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब कुछ खाते पीते हैं। देखो पूर्विक साइड व्यू मिरर्स पे देखो, इस बार तो आगे देखो बहुत खून है, ये देखो कितना ज्यादा है ब्लड है, पहली बार देखा मैंने इतना ज्यादा ब्लड, बहुत ज्यादा गंदी हो गई गाड़ी। हाँ इंसेक्ट का ब्लड, मतलब अपना ब्लड तो सबने देखा है। क्या देख रहे हो? कुछ पेट पूजा की जाए। अब इस एक्सप्रेस वे पे भाई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है खाने के और कुछ खास मिल रहा भी नहीं है। अभी हम जा रुके थे वहां वॉशरूम्स भी
लाइट भी ऑन नहीं थी, बिल्कुल घुप अंधेरा था और साफ भी नहीं थे क्योंकि जल्दी थे सुबह हम। बाकी कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है, अपना चाय पानी घर से लेके आओ एक्सप्रेस वे पे अभी आ रहे हो तो चलते हैं खाते हुए आराम से, स्पीड लिमिट्स में चल रहे हैं हम तो। भाई फाइनली आ गया आगरा का और जयपुर का एग्जिट, बट गूगल हमें कह रहा है कि सीधे निकल जाओ। अब पता नहीं है सीधा कितना चला हुआ है रोड, बट अपन सीधे ही चलेंगे, देखेंगे एग्जिट कहाँ से है एक्सप्रेसवे से, वो लेंगे टूवर्ड्स कोटा। पहले टोंक आएगा फिर कोटा की साइड जाएंगे, और अगर देखें टोटल डिस्टेंस अपन ने कवर कर लिया है घर से 215 किलोमीटर और अभी 3 घंटे हुए नहीं है, तो ये फायदा है भाई साहब अपना, वही थंब रूल, सुबह सुबह फटाफट दिन निकलने से पहले दिल्ली क्रॉस कर जाओ, जाम से बच जाओगे। तो अभी 7:07 और हम 225 किलोमीटर कंप्लीट करने वाले हैं एकदम बढ़िया ताबड़तोड़ स्पीड से। ये देख गया कट, पहले आगरा का कट है फिर जयपुर का। अभी वीडियो बताया था अभी थोड़ा के, गजब बेइज्जती है बंदे। कोटा यहाँ से और 203 किलोमीटर है, काफी दूर है। क्या दिखा रहे थे मुझे, कहाँ है बुर्ज खलीफा? वो बुर्ज खलीफा है वो टावर। कैसा लगा मेरा मजाक? बुद्धू बना रहे हो? भाई फाइनली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट हो गया कंप्लीट। एग्जैक्ट यहाँ एंड पॉइंट तक अभी 228 किलोमीटर्स है, 228 किलोमीटर्स और आगे बंद है। यहाँ से एग्जिट ले लेंगे हम लालसोट और कोथून की तरफ जो कि NH 23 है, और बढ़ेंगे कोटा की साइड। तो अभी 228 किलोमीटर एक्सप्रेसवे चल रहा है फिलहाल, चलो देखते हैं मोटा टोल लगा होगा इसका। अरे हम तो फकीर आदमी है। राउंड अबाउट से सोलर पैनल लगे हुए हैं उधर पूरे, ये सारे टोल्स वगैरह अब सोलर ऑपरेटेड हैं। भाई साहब गडकरी जी ने इतना बढ़िया काम किया हुआ है, हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे 18 मिनट में 263 किलोमीटर कवर कर लिया है। अब मजा आएगा गाड़ी चलाने में, वो बोरिंग सा हाईवे होता है एक्सप्रेसवे, थोड़ी बहुत देर अच्छा लगता है, बाकी जब मुंबई तक चल जाएगा तब भी मेरे जैसा बंदा तो भाई तब भी नेशनल हाईवे ही प्रेफर करेगा। बेशक टाइम बचाएगा दिल्ली टू मुंबई, बट बहुत बोरिंग है यार, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं, स्लीपी फील करोगे, कुछ मजा नहीं आता ड्राइविंग में एक्सप्रेसवे पे, टाइम पास ही नहीं होता सही में, कुछ मजा नहीं आता। ये हाईवे है बढ़िया, कभी बाइक वाला घुस रहा है कभी गाड़ी वाला घुस रहा है, कोई किसी को गाली देते हुए चल रहा है, इससे बढ़िया टाइम पास होता है हाईवे पे। अच्छा आ गए हम NH 23, अब इसी पे रहना है अपने को काफी देर तक, बाकी देखेंगे कोई ढाबा वाबा आ गया तो चाय पीने के लिए जरूर रुकेंगे। अभी फिलहाल आप ड्राइव को एंजॉय करते हैं। देखो आ रहे ना बंदे रॉन्ग साइड, ये मतलब इसमें तो इंटरेस्टिंग पार्ट यही है हाईवे का कि कोई रॉन्ग साइड से घुसेगा कोई कहीं से घुसेगा, तभी तो मजा आता है। क्या बोला है पूर्विक? पिज्जा नहीं मिलेगा यार, वैसे ही बनाया हुआ है वो। भाई बहुत ही थॉटफुल ढाबा है मैं बता रहा हूँ, देखो टॉयलेट के ऊपर ना यहाँ माचिस रखी हुई है। वाओ वेरी डेंजरस, जिसका सुट्टे के साथ प्रेशर बनता है उनके लिए। अबे साले बहुत दिमाग लगा रहा है भाई ढाबा वाले थे बहुत। निकलते हैं, बाकी चाय बहुत ही बढ़िया थी भाई, बहुत ही बढ़िया चाय। चलो चलते हैं भाई, चलो भाई अब निकल लिए यहाँ से, ब्रेकफास्ट हो गया 8:10 और घर है 4, घर बोल रहा हूँ अपना होटल है 468 किलोमीटर्स
8 hours 6 minutes। अब गाड़ियां दिखने लगी हैं अपने को, जब हम निकले थे बहुत जल्दी निकले थे ना हम, गाड़ियां नहीं थी हाईवे पे। तलाश है वही साथी है वही मंजिल है। ये आ गया भाई डाइवर्जन, अपने को लेफ्ट जाना है टोंक 47 कोटा 196। भाई गूगल पे अभी चेक किया है, ये है NH 52 जयपुर से कोटा वाला हाईवे, नेशनल हाईवे, और 80 की स्पीड लिमिट होगी यहाँ पे, तो उसी पे चलना है भाई। चलान बहुत कटते हैं राजस्थान में, और खासकर दूसरे नंबर वालों को तो जरूर रोक लेते हैं पुलिस वाले। कोटा इज 189 किलोमीटर फ्रॉम एयर, बाकी रोड सब तक बिल्कुल चकाचक है। घर से 300 किलोमीटर आ गए हैं, एक सिंगल गड्ढा भी नहीं है कहीं पे कहीं तक भी, बहुत ही जबरदस्त रोड्स बने हुए हैं। दिखाना पूर्विक शक्ल अपनी। अच्छा इतनी तेज धूप आ गई है, सारे सनग्लासेस लगा के बैठ गए, मुझे तो ड्राइविंग करनी है अब। सही है भाई स्ट्रेन पड़ने लग गया है। अरे रुक जा गूगल, 8:30 ही बजे हैं और जबकि धूप बहुत तेज हो गई और टेम्परेचर 26 से बढ़ के 33 हो गया है, 40 प्लस जाएगा आज, क्या करेंगे। कोई नहीं, गाड़ी के अंदर तो बढ़िया एकदम 24 डिग्री मेंटेन करा हुआ है। मेन दिक्कत तब है कि गाड़ी से बाहर निकल के जब जाना है। बाकी हाईवे बाइक बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में है, और इस जयपुर कोटा वाले हाईवे पे तो खाने पीने के भी ऑप्शन है। पीछे एक दो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, तो बढ़िया है, मतलब ओवरऑल फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो तो खाने पीने के बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। ड्राइव करने में बिल्कुल, बट जैसे कि अपने किलोमीटर बढ़ रहे हैं भाई गाड़ी के, वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, 35 हो गया है 26 से। अच्छा थोड़ी थोड़ी देर में एक एक डिग्री बढ़ता जा रहा है। वो देखो सामने ऊपर चोटी पे मंदिर बना रखा है, बिल्कुल चोटी पे पहाड़ की, क्या बात है भाई, मस्त लग रहा है। टोंक सिटी, टोंक सिटी राइट है, अपने को सीधा निकलना है, मतलब टोंक भी बाईपास ही हो रहा है एक तरीके से। अब पढ़ रहे हैं कोटा की तरफ, ये रहा टोंक का एंट्रेंस, मस्त भाई, बहुत अच्छा मंदिर लगा देख के वो। कोटा 150 किलोमीटर है यहाँ से, अगर ऐसे रोड्स रहे तो भाई 2.5 घंटे में कोटा पहुँच जाएंगे, बाकी देखते हैं आपको अपडेट करेंगे। अरे भानगढ़ फोर्ट जैसा दिख रहा है, भानगढ़ के किले जैसा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो वैसे ही लग रहा है बिल्कुल जैसा भानगढ़ है। तारी मासूम सी खुशियां, ये है भाई खतरनाक सौदा, लो एकदम से गायें आ गई, एकदम से दो गायें आ गई रोड पे, ये बहुत रिस्की काम है यार यहाँ राजस्थान और MP में कैटल्स। क्या कर रहे हो पूर्विक, पढ़ाई कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। बस भाई एक स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लिया है, बहुत देर हो गई थी, 360 किलोमीटर चल ली है और टेम्परेचर हो गया 37 ऑलरेडी। बहुत भयंकर गर्मी हो गई है, टाइम 9 बजे है यार, 9:15 होंगे देखें, हाँ 9:12। अरे भाई कितनी तेज जा रहा है, आराम से भाई आराम से, चलो भाई चलते हैं, बस खींचते हैं कोटा के आसपास ब्रेक लेंगे। बाकी टायर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल अगर मैं देखो तो भाई, कंफर्ट तो बहुत अच्छा हो गया इन पे, और नॉइस भी उतनी खास मुझे ज़्यादा लग नहीं रही है। एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, माइलेज कम दे रहे हैं, दे रही है गाड़ी अभी फ़िलहाल, बाकी देखेंगे वो तो लॉन्ग टर्म आपको अपडेट देंगे टायर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, फ़िलहाल कंफर्ट लेवल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी बताओ क्या करना है, पड़े हैं तुम्हारा सामान तो ये रहे स्टॉक गाड़ियों का। चलो भाई बहुत तेज जा रही है यार गाड़ियाँ, चलो चलते हैं।
भाई मैं कह रहा था ना किलोमीटर की तरह बढ़ रहा है टेम्परेचर, 37 डिग्रीज हो गया 9:15 बजे। अभी मैंने रिकॉर्ड किया था 1 किलोमीटर भी नहीं है, 38 डिग्री हो गया भाई। कहाँ जाएगा वेदर। देखो भाई बड़ो मेवाड़ का राजा दीवाना टाइगर, क्या बात है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी चलो भाई एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है। कोटा तो आ नहीं रहा, बहुत ही ज्यादा दूर है भाई कोटा, और लू चल रही है बहुत जबरदस्त। अभिषेक रेस्टोरेंट चाय पी लेते हैं, वॉशरूम ब्रेक ले लेते हैं, पधारो सा भाई, लू चले जाए कुछ चले, चाय अपने को जरूरी है। अच्छा भाई चलो भाई हो गई है चाय, एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक, 6 hours 5 minutes more to go, 333 kilometers बचे हैं अभी भी, जल्दी निकलने का फायदा, 420 kilometers हम कवर कर चुके हैं, टाइम हुआ है सुबह के 10:15 ऑलमोस्ट। जज्बात करा नवजा पे कब्जा में होगी हूँ मुरीद, मेरी आस और सांसे बटके तेरे पे, छत्तीस मिला है पूरे गुण तेरे पे। चढ़ गए हैं भाई कोटा बाईपास पे, इधर लेफ्ट साइड पे कोटा सिटी में जा रहा है, अपन कोटा बाईपास कर जाएंगे। घर से डिस्टेंस हो गया 472 kilometers और ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, बहुत ही जबरदस्त डिस्टेंस कवर कर लिया है हमने, और अब बचा है सिर्फ दिल्ली से चंडीगढ़ जितनी दूरी, करीब 280 kilometers। मस्त लग रहा है मुझे, 5 बजे तक हम उज्जैन पहुंच जाएंगे अपने होटल अगर इसी स्पीड पे चलते रहे। बाकी हल्का फुल्का अब ट्रैफिक बढ़ने लगा है, बट फिर भी ऐसा सच कहीं स्टक हुए नहीं है, एकदम बढ़िया स्पीड में चल रहे हैं मस्त मज़े से। जहाँ तक नज़र जा रही है भाई सब खुले मैदान है, सब जगह यही कोटा स्टोन भरा हुआ है, यहाँ तो पिंक से कलर का ट्रकों में भी वही जा रहा है, बिल्कुल खुले मैदान आ गए हैं एकदम से। भाई साहब एकदम से इतनी धूल, पता नहीं है वो स्टोन क्रशिंग होती है कोटा में उसकी वजह से आएगी, पर एकदम से आंधी से ही आ गई है यहाँ तो, बहुत धूल उड़ रही है। भाई साहब क्या जबरदस्त ब्रिज सा बनाया है भाई, मस्त लग रहा है। ओ सस्पेंशन ब्रिज है क्या, केबल से सर, हाँ वही है भाई, मस्त लग रहा है तो। वाओ बहुत जबरदस्त धूल उड़ रही है, देखो कितनी धूल है। ओ भाई यहाँ तो पोल्यूशन लेवल दिल्ली से भी बहुत ही ज़्यादा होगा, धूल ही धूल है यहाँ तो। करते हैं भाई कोटा, इधर है लेफ्ट साइड पे कोटा बाईपास हो रहा है, अब हम जा रहे हैं झालावाड़ की तरफ।